पारा अपने हर रूप में विषैली प्रकृति वाला होता है। यह ऐसा न्यूरोटॉक्सिन है जो तंत्रिका तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। मस्तिष्क की क्रियाओं को ये इस प्रकार प्रभावित करता है कि इसकी वजह से हो सकते हैं व्यक्तित्व परिवर्तन, मांसपेशियों की निष्क्रियता और याददाश्त जाना। इतने नुकसान के बाद भी इससे प्रभावित होने वालों में स्वास्थ्य सेवाओं में इसके प्रयोग पर कोई विशेष विचार नहीं किया जाता है, जिसमें श्रमिक, मरीज और पर्यावरण शामिल हैं। स्वास्थ्य सेवाओं देखभाल में ज्यादातर पारा अपनी तात्विक अवस्था यानी द्रव धातु के रूप में मिलता है। इसे आप थर्मोमीटर, रक्तदाब उपकरण, जठर तंत्र नलिकाओं, बैटरीज और प्रतिदीप्ति लैंप्स में देख सकते हैं। प्रयोगशाला में इस्तेमाल होने वाला सफाई कर्मक और फिक्सेटिव में भी पारा पाया जाता है। बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग दंत चिकित्सा में होता है। दंत मिश्रण में 50% पारा ही होता है। पारे से होने वाले नुकसान को देखते हुए दुनिया में कई देशों ने इसके विकल्पों पर काम करना शुरू कर दिया है और इसके लिए उसके पास उचित पारा प्रबंधन योजनाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों ने जैसे कि लैटिन अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया में पारा मुक्त योजनाओं को अपनाया गया है और अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इसके समर्थन में है। पुनः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीना माता कन्वेंशन में और बहुपार्श्व संधि में विश्व स्तर पर पारा की मांग और आपूर्ति को पूरी तरह समाप्त करने पर बातचीत चल रही है और मांग के नजरिए से स्वास्थ्य सेवा सेक्टर सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर है, जहां ये होना सबसे जरूरी है, जहां पर ये हो सकता है। भारत में भी कुछ राज्य और अस्पताल इस बेहतर प्रक्रिया को अब अपना रहे हैं। देहरादून के HIHT अस्पताल की कहानी भी उन्हीं में से एक है। उन्होंने साबित कर दिखाया है कि सतत योजना और प्रशिक्षण प्रोटोकॉल के साथ नए उपकरणों का प्रयोग कई नए अनुभव ला सकता है। हम पारे के प्रयोग को स्वास्थ्य सेवा से बिल्कुल खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हमने साल 2006 में इस बड़े उद्देश्य पर काम करना शुरू कर दिया था और हमने इस लक्ष्य को प्राप्त भी कर लिया। आज हम 99.5% पारा मुक्त हैं। सबसे पहले हमने योजनाओं पर काम किया जिससे कि हमें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, जैसे कि हमने काफी खोजबीन की ये जानने के लिए कि हम ऐसे उपकरण कहां से प्राप्त कर सकते हैं जिनमें पारे का प्रयोग ना किया गया हो, जो पूरी तरह से पारा मुक्त हो। इसके लिए हम सबको ही सच में कड़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि हमें अच्छे पारा रहित उपकरणों की तलाश करनी थी। अस्पताल ने उचित उपकरणों की खोज में बहुत मेहनत की और साथ ही उपकरणों के कार्य की विशुद्धता की हर स्थिति में जांच की। चिकित्सा और नर्सिंग विभाग को नए BP उपकरणों एवं थर्मामीटर्स के प्रयोग का प्रशिक्षण देने और इनकी महत्ता को समझने में अस्पताल के फिजियोलॉजी विभाग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब तक यह विभाग 400 चिकित्सकों को शिक्षित कर चुका है। उपकरणों के संस्थापन के समय हमें भी इनके प्रयोग में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और साथ ही मुझे अच्छे से याद है कि शुरुआत में ऐसे 2 केसेस थे जहां हमें ब्लड प्रेशर जानने में थोड़ी गड़बड़ी हो रही थी। बाद में हमें पता चला कि ये इंस्ट्रूमेंट की गलती नहीं थी, बल्कि हम उसका इस्तेमाल ठीक से करने में असमर्थ थे। तो हमने किया ये कि हमने सबसे पहले पूरे विभाग, नर्सिंग कर्मचारियों और ब्लड प्रेशर मापन करने वाले सभी हेल्थ प्रोवाइडर्स के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए। इसके साथ ही हॉस्पिटल के दंत विभाग में भी मर्क्यूरी फिलिंग के प्रयोग को भी पूरी तरह बंद कर दिया गया। मैं इस संस्था से मार्च 2006 से जुड़ी हुई हूं और शुरुआत से ही मैं पारे की फिलिंग के स्थान पर व्हाइट फिलिंग का प्रयोग कर रही हूं। हमारे पास गांव के ज्यादा मरीज आते हैं, सभी पैसे से इलाज कराते हैं और व्हाइट फिलिंग से वे काफी खुश भी हैं। पारा मुक्त होने की दिशा में HIHT द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम। सभी पारा युक्त थर्मोमीटर्स और BP उपकरणों को पारा रहित उपकरणों से बदलना। डिजिटल उपकरणों के सूक्ष्म बिंदुओं पर चिकित्सकों से सलाह करना। दंत विभाग में पारा रहित फिलिंग का प्रयोग करना
एवं पारा युक्त अपशिष्ट पदार्थ का सही संग्रह और भंडारण करना। इस योजना को लागू करने के लिए अस्पताल का अपने बजटीय प्रस्ताव में एक बार लगने वाले इस अतिरिक्त लागत का मूल्यांकन करना। जब संचालन विभाग कुछ ठान लेता है तो सबको उसे मानना होता है और हमें भी सीनियर हो या जूनियर सभी को साथ लेकर आगे बढ़ना होता है। हम सभी विभागों से सहयोग की अपेक्षा करते हैं, खासतौर पर फिजियोलॉजी विभाग से। हम अपने नर्सिंग विभाग और डॉक्टर्स की टीम से भी बात करते हैं। हमने पारा मुक्त उपकरणों के संबंध में अपने बायोमेडिकल विभाग एवं कुछ चयनित डॉक्टर से भी बात की और एकजुट होकर इन उपकरणों के प्रयोग का हमने निर्णय लिया। इसी तरह से हम एक साथ मिलकर काम करते हैं, जो कि एक बदलाव को लाने के लिए बेहद जरूरी है। पारा मुक्त कार्यक्रम के लिए अत्यंत आवश्यक है अस्पताल के प्रबंधन का दृढ़ निश्चय, ड्राफ्ट और लिखित योजना के रूप में वार्तालाप होना, किसी वरिष्ठ अधिकारी को कार्यक्रम का प्रभारी बनाकर जवाबदेही में सुधार करना, पारा रहित उपकरणों के प्रयोग एवं महत्व के प्रति लोगों को प्रशिक्षण देना और इन उपकरणों पर उपयोगकर्ता के विश्वास को बनाए रखने का सत्यापन। पारा आधारित उपकरण प्रकृति में तुलनात्मक रूप से अधिक कमजोर थे। पारा मुक्त उपकरणों की मजबूती और उनके परिणाम की प्रभावशीलता को देखते हुए अधिकांश अस्पताल इनके उपयोग के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। भारत के अस्पतालों में अक्सर पारा उपकरण की टूट फूट होती रहती है और फिर इन टूटे हुए उपकरणों को नए उपकरण के साथ बदलवाना, अगर हम देखें तो इन 5 सालों में इनकी कीमत काफ़ी ज़्यादा बैठती है। अब अगर हम इन एनोरॉइड्स में पूंजी का बड़ा हिस्सा लगाएं तो हमें भविष्य में कई लाभ मिलेंगे और साथ ही साथ हम अपने मिशन में भी सफल होंगे, जिसकी कामयाबी की हम सब ने उम्मीद की थी। और जैसा कि डॉक्टर कैथी ने इस बारे में कहा है कि हम अब तक शायद 10 से 15 लाख रुपए तक बचा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार ने पारा मुक्त स्वास्थ्य सेवाओं की स्थापना के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं और यह निर्देश 2004 में टॉक्सिक्स लिंक की पहली स्टडी द लर्किंग मेनेस के प्रकाशन के बाद दिल्ली में सफलतापूर्वक प्रभाव में आए। टॉक्सिक लिंक ने पारा मुक्त बनने की दिशा में 2 अन्य राज्यों पंजाब और मणिपुर और हुबली धरवाड़ नगर पालिका के साथ भी मिलकर काम किया है। अब उनके नेतृत्व का पालन करने का समय आ गया है। पारा मुक्त बनना शायद शुरुआती कुछ सालों में एक स्वैच्छिक कदम लगे, पर जल्द ही यह एक निर्णायक कदम बनेगा। एक वैश्विक पारा संधि बस कुछ ही दूरी पर है, जो दुनिया को इस विषैली धातु के प्रयोग से मुक्त करने के उद्देश्य पर काम कर रही है। अब यह परिवर्तन का समय है। यह समय है हम सभी के लिए आत्मनिरीक्षण करने और जिम्मेदार बनने का।